तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीडियोस में HD क्वालिटी में थंबनेल लगा सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर जब अपने वीडियोस में थंबनेल लगाते हैं, बाद में अपने चैनल पर जाते हैं, उस वक्त उनके वीडियोस में बहुत ही बेकार सा थंबनेल दिखता है, मतलब कोई भी क्वालिटी उसमें दिखता ही नहीं है अच्छा से, ठीक है। तो ये भी मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा कैसे आप HD क्वालिटी में अपने वीडियोस में थंबनेल लगा सकते हो। एंड काफ़ी सारे नए क्रिएटर का ये भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई मैं अपने वीडियोस में थंबनेल ही नहीं लगा पा रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को मैं आज इस वीडियो के जरिए सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारा प्रॉब्लम के बारे में पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल सर बताते हैं। चलिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे आप अपने चैनल मतलब अपने वीडियोस में थंबनेल लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर का थंबनेल ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने फोन पर स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेता हूँ एंड इस साइड पे आप लोग को पूरा प्रॉपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वहीं से हम इस सेटिंग को कर सकते हैं। तो इसको ऑन कर लेना। अगर दोस्तों आप लोगों को ये ऑन करना नहीं आता, मतलब अपने चैनल को डेस्कटॉप मोड पर ओपन करना नहीं आता क्रोम ब्राउजर पर, दोस्तों मैं एक मतलब पूरा प्रॉपर वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों नीचे पे आपको सेटिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आप लोगों का सेटिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों ये सेटिंग ऑप्शन है वे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको चैनल वाले ऑप्शन पर चले आना, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन मतलब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पर चले आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड नंबर का एक ऑप्शन शो कर रहा है फीचर्स एलिजिबिलिटी, ठीक है, सेकंड थर्ड नंबर का, ठीक है, उस पर आपको चले आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों तीन ऑप्शन शो कर रहा है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे चले जाना है आप लोग को। वहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हो इंटरमीडिएट फीचर्स नाम का एक ऑप्शन शो कर रहा है जो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों इसको इनेबल नहीं है, तो इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने से दोस्तों आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पे दोस्तों आपको 15 मिनट से ऊपर का वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो एंड कस्टम थंबनेल भी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर थंबनेल नहीं लगा पा रहे हो, आपका थंबनेल ही नहीं लग रहा है, इसी की वजह से नहीं लग रहा है, आप इसको पहले इनेबल करो। इनेबल कैसे करना है, इसको इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको फोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फोन नंबर जैसे ही डालोगे आपके पास OTP आ जाएगा, OTP डाल दोगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा एंड इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका ये इनेबल होने के बाद अब आपको थंबनेल कैसे लगाना है, इसको जाने के लिए दोस्तों आपको YT स्टूडियो पर चले आना। आप अपने YT स्टूडियो पर आ जाना। आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जिस वीडियो पे आपको थंबनेल लगाना है, ठीक है, उस वीडियो पे आपको चले आना है। वीडियो को ओपन कर लेना है, यहाँ पे फिर से आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इतना करने के बाद फिर से आपको लेफ्ट साइड के मतलब पास आपको पेंसिल का ऑप्शन शो कर रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चेंज का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है नीचे पे, उसका दोस्तों आप जिस भी थंबनेल को लगाना चाहते हो उस थंबनेल को ले लेना। जैसे कि मैं इसी थंबनेल को लगाना चाहता हूँ, इसको लेने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है एंड सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसा ही क्लिक करोगे तो ये आपका जो है थंबनेल सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने चैनल पे चले जाना है, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आप अपने वीडियोस का थंबनेल को देखना चाहते हो कि मेरा थंबनेल कैसा लगा या नहीं लगा, वहाँ पे देखने के लिए आप अपने चैनल पे आ जाना। आने के बाद दोस्तों देख सकते हो मेरा यहाँ पे HD क्वालिटी में थंबनेल लग चुका है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। एंड साथ ही चैनल को नए मतलब चैनल पर नए होते जिनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस रेगुलर आप लोग को मिल सके। तो आसान से दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कैसे आप अपने वीडियोज़ में थंबनेल लगा सकते हो एंड HD क्वालिटी में और भी काफ़ी सारा चीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।